एक बार की बात है, एक कब्रिस्तान में बहुत सी भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती थी। उनमें एक बूढ़ी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा थी, जो बहुत अनुभवी थी। जब भी दूसरे भूतिया पक्षी किसी मुश्किल में होते तो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ने सलाह दे दी। एक दिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कब्रिस्तान में चलकर थक गई और एक पुराने कुएं के पास बैठ गई। तभी एक भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा उसके पास आई और पूछा, तुम कौन हो? मेरी जगह पे क्यों बैठ गई? अरे ये तुम्हारी जगह है, मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ तो बहुत जगह है ना, तुम भी आकर बैठ जाओ। जब भी इस कब्रिस्तान में किसी भूत या पक्षी को कोई परेशानी होती है, वो मेरे पास आते ही उपाय के लिए। अच्छा, मैं तो आजकल खुद एक मुसीबत में हूँ, कृपया अपनी सलाह मुझे दे। अपनी समस्या मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगी। जिस बरगद के पेड़ पर मैं रहती हूँ, उसके पास एक पुराना घर है। कुछ समय पहले ही एक संगीतकार कड़कनाथ से बाहर रहने के लिए आ गया है। बहुत से पक्षी उसे संगीत सीखने के लिए आते हैं। उसके संगीत की वजह से मेरी शांति चली गई है। उसे कैसे भी करके वो घर खाली करवा दो। अरे ये क्या कोई परेशानी है, मैंने इससे बड़ी बड़ी परेशानियों का हल निकाला है। ये कहकर भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा ने उसे एक हल बताया। भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा खुश हो गई और कड़कनाथ सेठ के घर में रात में गई। वो बहुत से रूप धारण कर सकती थी। तुरंत ही वो एक बिल्ली में बदल गई और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। खिड़की से वो बिल्ली घर के अंदर आकर उस कमरे में कूद गई जहाँ कड़कनाथ सो रहा था। बिल्ली की आवाज सुनकर कड़कनाथ जाग उठा। अरे कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ, मैं कितने ही रूप धारण कर सकती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। ये कहकर वो तुरंत चमगादड़ बन गई। ऐसा करो, तुम एक बिल्ली बन जाओ और पूरे घर में घूमो। इस घर में बहुत से चूहे हैं। फिर एक छिपकली बन जाओ और इस घर के सारे मच्छर मार डालो, समझ गई ना? तुम्हें क्या लगता है, मेरे पास कोई काम नहीं है कि मैं तुम्हारे घर के चूहे मच्छर खाने आऊं? ऐसा कहकर भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली गई और बूढ़ी भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा से कुएं पर मिली। मैं वहाँ गई थी, लेकिन तुम्हारी सलाह काम नहीं आई, वो एक निडर पक्षी है। अरे ये नहीं तो कुछ और, तुम चिंता ना करो, मेरे पास बहुत से उपाय हैं। भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा फिर उस रात कड़कनाथ सेठ के घर गई। उसने उसकी छत की सारी टाइल्स निकाल कर फेंक दी। उस आवाज से वो उठ गया और कहने लगा, अरे कौन है जो टाइल्स हटा रहा है? मैं ही हूँ जो कल यहाँ आई थी, मैं बिना काम किए शांत नहीं बैठ सकती। ये सुनकर कड़कनाथ सेठ उससे कहता है, मैं घर की ऊपर की छत हटाकर दूसरे डालने की सोच रहा था, तुमको सारी टाइल आज रात ही हटा देनी होगी, समझ गई ना? ऐसा कहकर वो पेड़ के नीचे खटिया पर सोने चला गया। अरे मैं क्या तुम्हें मजदूर नजर आती हूँ, ढीठ पक्षी? भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से उड़ गई और पुरानी कुएं के पास आ गई। क्या तुमने कड़कनाथ सेठ को डराकर भगा दिया? मैंने नहीं, उल्टा उसने मुझे डराकर भगा दिया। बूढ़ी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। उसने कहा, अच्छा तो अब ये करो। अगली रात भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा उसके घर गई और उसके कंधे पर थपथपाया। तुमने मेरी नींद खराब कर दी है, इस घर को छोड़कर चली जाओ, ये जगह मेरी है, अपने संगीत की वजह से मेरी शांति मत खत्म करो। मेरी अच्छी किस्मत है कि घर मुझे मुफ्त में मिल गया है, मैं इस घर को खाली नहीं करूँगा, अगर तुमको नहीं पसंद तो तुम चली जाओ। और वो सो गया। भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो निराश होकर वापस लौट आई। बैठे बैठे दूसरों को सलाह देना आसान है, एक भी सलाह काम नहीं आई। अपनी मुसीबत का हल खुद निकालना बेहतर है, अपनी समस्या का हल मैं ही सोचूंगी।
भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा ने फिर योजना सोची और कड़कनाथ सेठ से कहा, सुनो तुम मुझे संगीत सिखाओगे, मैं और छात्रों के साथ संगीत का रियाज करूंगी। ऐसा सुनकर कड़कनाथ सेठ हैरान हो गया। उसने कुछ ही दिनों में अच्छा नाम और पैसा कमा लिया था। अरे अगर मेरे छात्रों को पता लग गया कि मैं भूतिया पक्षियों को संगीत सिखाता हूँ तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। गांव वाले भी मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। कैसे भी करके इससे पीछे छुड़ाना होगा। अच्छा ठीक है, किसी भी दिन तुम आ जाना और मुझसे संगीत सीखना शुरू कर देना। उसके बाद कड़कनाथ सेठ ने अपना सामान बांधा और बिना कुछ और सोचे समझे उस गांव को छोड़कर चला गया। इस तरह भूतिया टुनटुनी चिड़िया की आत्मा ने अपनी समस्या का हल खुद ही ढूंढ निकाला और वो खुशी खुशी रहने लगी। बंटी का ट्रांसफर सुंदरवन जंगल में हो गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घोंसले में शिफ्ट हो रहा था। ये जगह कितनी सुंदर है ना माँ, दूर तक पहाड़ और जंगल, ऐसा लगता है कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हैं। कहीं अकेले घूमने मत चली जाइयो, समझी? भूत पकड़ के ले जाएंगे। तुझे पता है ना ये घर कितना पुराना है। तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। कल तुम लोग अपने नए स्कूल में जाओगे, उसकी तैयारी करो। टुनटुनी को ज्यादा घर का काम करने की आदत नहीं थी। काश मुझे यहाँ कोई काम वाली मिल जाती, मैं अकेले काम करते करते पागल हो जाऊंगी। टुनटुनी को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। टुनटुनी दरवाजा खोलती है तो बाहर एक चिड़िया खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। मेरा नाम टुनी है, क्या आपको इधर किसी काम वाली की जरूरत है? मैं काम वाली के बारे में सोच रही थी, तुम्हें किसने बताया कि मुझे काम वाली की जरूरत है? किसी ने मुझे नहीं बताया। मैंने कल रात आप लोगों को यहाँ देखा तो मैं समझ गई कि शहर के जंगल से कुछ पक्षी यहाँ रहने आए हैं, शायद उन्हें काम वाली की जरूरत हो। हाँ मुझे जरूरत है, और तुम आज से ही मेरे साथ काम करना शुरू करोगी। ठीक है मैम साहब, मैं किचन में काम करके आ जाती हूँ। सुनो टुनी, तुम्हें कैसे पता कि किचन दाई तरफ है? कुछ साल पहले यहाँ एक साहब रह कर गए थे तो मैंने यहाँ काम किया था, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। ये तो अच्छी बात है, घर साफ करने में मेरी मदद कर देना। तुम जरा ये बर्तन धो दो, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी बस एक मिनट बाद किचन में लौटी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टुनी ने सारे बर्तन धो के रख दिए थे। रात में पिंकी अपने कमरे में बेड पर बैठकर होमवर्क कर रही थी, तभी खून से सना एक चाकू कहीं से जमीन पर गिरा। पिंकी बेड से उतरकर बेड के नीचे देखती है, बेड के नीचे टुनी चिड़िया की लाश पड़ी हुई थी। पिंकी की चीख सुनकर बंटी और टुनटुनी पिंकी की कमरे की तरफ दौड़े। क्या हुआ पिंकी चिड़िया? मेरे बेड के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। बंटी और टुनटुनी बेड के नीचे देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है पिंकी, लगता है नई जगह होने की वजह से तुम डर गई हो। चलो हमारे साथ सो जाओ। एक दिन गोलू स्कूल से लौटा तो घर पर टुनी के अलावा कोई नहीं था। आंटी जी मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो ना प्लीज। ठीक है तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आती हूँ। गोलू देखता है कि बिना सर की टुनी चिड़िया अपना भयानक खून से सना सर प्लेट में रखकर कमरे की तरफ आ रही है। कुछ देर बाद टुनटुनी बाजार से घर लौटी। गोलू बेटा कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। जब गोलू टुनटुनी को कोई जवाब नहीं देता वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है गोलू जमीन पर पड़ा है और उसके सर से खून निकल रहा है। वो तुरंत हवाई मोटर से गोलू को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर गोलू का ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? उधर बंटी ड्यूटी से घर वापस लौटा तो भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में घर पर थी। अरे टुनी तुम्हारी मालकिन और बच्चे कहाँ हैं? साहब जी मालकिन तो गोलू को लेकर अस्पताल गई है। इस घर में आपकी और मेरे अलावा कोई और नहीं है, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा साहब जी? आज का शिकार आप है मेरे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। बंटी डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो, भूत भूत भागो यहाँ से। वहीं भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा बंटी पर हमला कर देती है। उधर दूसरी तरफ टुनटुनी वापस घर आ रही थी तभी उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी वहाँ पर मिल जाती है। अरे टुनटुनी बहन कैसी हो, बच्चे वगैरह कैसे है तुम्हारे? क्या बताऊँ बबली बहन, जब से हम नए घर में रह रहे हैं जब से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरे बच्चे डर रहे हैं, वो तो मेरे घर में काम करने वाली टुनी है,
जो मेरे घर को संभाली हुए है, बड़ी तेजी से काम करती है, आप उसे जानती होगी। क्या कहा टूनी? लेकिन टूनी तो 20 साल पहले मर चुकी है। 20 साल पहले एक साहब इस घर में रहते थे, उनकी अपनी बीवी से आए दिन लड़ाई होती थी। टूनी उन साहब के यहाँ काम करती थी, टूनी को साहब से प्रेम हो गया, शायद वो साहब भी टूनी से प्रेम करता था। जब ये बात साहब की बीवी को पता लगी तो बीवी ने एक दिन टूनी की हत्या कर दी। टूनी गरीब थी इसलिए उसकी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है जिसमें तुम रह रही हो। टुनटुनी तेजी से अपने घर की तरफ जाती है, तभी बंटी घायल होकर लड़खड़ाता हुआ वहाँ पर आता है। टुनटुनी और बंटी अपने बच्चों को लेकर उस घर से दूर चले जाते हैं। जाने से पहले वो दरवाजे पे एक पोस्टर लगा जाते हैं। पोस्टर पर लिखा है, इस घर में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती है, कृपया इस घर में प्रवेश ना करें। सुंदरवन जंगल में पानी की आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंड पंप था, जो काफी सालों पुराना था। जंगल के सभी पक्षी उसी हैंड पंप से पानी भरकर अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करते थे, पर रात में हैंड पंप के पास कोई नहीं जाता था। रात में हैंड पंप से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा और उसका पति टुन्नू बाहर निकल कर बातें करते थे। अरे सुंदरी बबली, पानी नहीं भरना है क्या? चलो जल्दी से ये चालाक जंगल वाले इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें दूसरा पैतरा आजमाना होगा। बबली ओ बबली, अरे पानी नहीं भरना क्या? भूतिया टूनी चिड़िया की आवाज जब बबली को सुनाई देती है, लगता है सुंदरी आवाज लगा रही है, जल्दी से उठकर मुझे पानी भरना होगा वरना हैंड पंप पर लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। बबली बिना समय देखे बाल्टी उठाकर हैंड पंप के पास आकर कहती है, लगता है सुबह होने में समय है, खैर अब आ ही गई हूँ तो हैंड पंप से पानी भर लेती हूँ। बबली जैसे ही हैंड पंप को चलाती है उसमें से पानी की जगह खून निकलने लगता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया और उसका पति बंटी कबूतर हैंड पंप से बाहर निकलते हैं। हमें बबली को सबक सिखाना होगा, इसके खून से हम हैंड पंप को धोएंगे। फिर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बबली को मारकर उसकी गर्दन काट देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह बबली की लाश देखकर जंगल के पक्षी कहते हैं, इस भूतिया हैंडपंप ने हड़कंप मचा दिया है, हर रोज एक जान ले रही है। जंगल वालों, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो कोई भी इस भूतिया चिड़िया हैंडपंप के पास अंधेरा होने के बाद मत आना। सरपंच कड़कनाथ सेठ की बात मानकर जंगल वाले सिर्फ सुबह ही हैंडपंप का इस्तेमाल करते और रात होने पर ना कोई वहाँ पानी भरता ना कोई भूतिया चिड़िया हैंडपंप से गुजरता। पर एक रात हरी नाम का तोता जंगल से गुजरते हुए कहता है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, काश पानी मिल जाता। फिर हरी तोता की नज़र उस सन्नाटे भरे हैंडपंप पर आ रुकती है जो एकदम सुनसान वीरान पड़ा था। घर पहुँचने के लिए हमें लंबा सफर तय करना है, क्यों ना मैं इसी हैंडपंप से अपनी प्यास बुझा लूं। जैसे ही हरी तोता हैंडपंप चलाने लगता है तभी भूतिया टूनी चिड़िया और टुन्नू की आत्मा बाहर निकल कर आते हैं। तुम्हें प्यास लगी थी ना, मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप चला देती हूँ। इस हैंडपंप का पानी एकदम ठंडा और मीठा है, पियो ना पियो। खून भूत भागो यहाँ से। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता की गर्दन काट कर भूतिया हैंडपंप के पास फेंक देती है और हैंडपंप के अंदर घुस जाती है। अगली सुबह फिर से एक लाश देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं। सरपंच जी, ये तो कोई राहगीर लगता है, ये राहगीर अपनी प्यास बुझाने के लिए रात इस भूतिया हैंडपंप के पास आया था और भूतिया हैंडपंप ने इसकी खून से ही अपनी प्यास बुझा ली। हमारे पास इस भूतिया हैंडपंप का कोई हल नहीं, सबकी भलाई इसी में है कि हम सभी बस अपनी जान की परवाह करें। जंगल में एक नवविवाहित जोड़ा टुनटुनी और बंटी कबूतर रहने आते हैं और सरपंच उनसे कहता है, इस जंगल का एक नियम है, अंधेरा होने के बाद कोई भी उस हैंडपंप के पास नहीं जाता, इसलिए तुम दोनों भी ये गलती मत करना, क्योंकि ये मशवरा नहीं बल्कि चेतावनी है। सरपंच की बात सुनकर टुनटुनी कहती है, बंटी ऐसा भी क्या है उस हैंडपंप में जो सरपंच जी बोलते समय भी इतना कपकपा रहे थे? आधी रात में भूतिया चिड़िया हैंडपंप जोर जोर से आवाज निकालते हुए चलने लगता है और बंटी कहता है, इतनी रात जोर जोर से हैंडपंप चलाकर कौन पानी भर रहा है? बंटी जैसे ही हैंडपंप के पास आता है भूतिया टूनी चिड़िया और टुन्नू की आत्मा हैंडपंप से बाहर आकर निकल कर कहती है,
तो तुम अपनी मौत की आवाज़ सुनकर आ ही गए। ये भूतिया चिड़िया का हैंड पंप है जिस पर हमारा कब्जा है। टुनटुनी बचाओ मुझे, बचाओ। बंटी की आवाज सुनकर टुनटुनी जागकर कहती है, ये तो बंटी की आवाज है। टुनटुनी दौड़कर जैसे ही हैंडपंप के पास आती है तो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके पति को जकड़कर खड़ी होती है। रुक जाओ, मेरे पति को मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी हम मारे गए। अब ये भी मरेगा और तू भी। अगर तुम मेरे पति की जान बख्शती हो तो मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। मैं और मेरा पति इसी जंगल में रहते थे। हम इसी हैंड पंप का मीठा पानी डिब्बे में भरकर जंगलों में बेचा करते थे। टूनी, हमारे हैंड पंप के मीठे पानी के कारण अच्छी कमाई हो रही है, तो क्यों ना हम इस हैंड पंप के पानी को बिस्लरी बोतल में भरकर स्टेशन के यात्रियों और ट्रेनों में बेचें? हम दोनों ने बोतलों में पानी भरकर बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में हम लोग काफी अमीर हो गए, जिसे देखकर जंगल वाले और कड़कनाथ हमसे चलकर कहने लगे, ये हैंड पंप जंगल की जरूरत के लिए लगा हुआ है, तुम्हारी कमाई के जरिए के लिए नहीं। पूरे जंगल के पानी तो तुम दोनों पति पत्नी भर लेते हो। पर कड़कनाथ से इससे धरती का पानी घट तो नहीं जाता। आज से तुम दोनों इस हैंडपंप के पास नजर भी मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। अब खारा पानी पीकर जिंदा रहो। इस हैंडपंप के मीठे पानी की बिक्री करके बहुत नोट बटोर लिए तुमने। हमने कड़कनाथ की बातों को नजरअंदाज किया और रात में हैंडपंप से पानी भरने लगे। हैंडपंप की चलने की आवाज सुनकर सभी वहाँ इकट्ठा हो गए। कड़कनाथ से बड़ी बेरहमी से हम दोनों को मारकर हमारी लाश हैंडपंप के नीचे दफना दी और जंगल के पक्षियों ने अपराध में उसका साथ दिया। हमें इंसाफ नहीं मिला, तब से हम इस हैंडपंप पर कब्जा करके पक्षियों को मार रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी सरपंच के खिलाफ पुलिस चौकी में FIR दर्ज करवाकर छानबीन करवाती है, जहाँ हैंडपंप के नीचे टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़िया की लाश मिलती है। कड़कनाथ सेठ को उम्र कैद की सजा मिल जाती है। फिर भूतिया टूनी चिड़िया और टूनी की आत्मा हैंडपंप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।